कि सार भगवत गीता का सार है भगवान की शरण ग्रहण करना, जो 18वें अध्याय में भगवान ने बताया सर्वधर्म परित्यजं मामेकं शरणं व्रज। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसको स्वीकार करता है, और जो कम बुद्धि के लोग हैं, जो मूर्ख हैं, वो इसको नहीं स्वीकार करते। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। और यहां पर महाराज परीक्षित के गुणों का वर्णन आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित के अत्यंत दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज परीक्षित रंतिदेव के समान दानवीर होंगे। श्रीमद् भागवत में महाराज रंतिदेव का वर्णन है। रंतिदेव महाभारत से पूर्व काल में एक राजा हुए, बहुत ही यशस्वी, जिनका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, जिनकी प्रशंसा की। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि एक बार इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान से प्रश्न किया कि आपका सबसे अच्छा भक्त कौन है अभी। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा निश्चित रूप से रंतिदेव है। तो रंतिदेव एक पृथ्वी पर राजा थे, तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने सारे देवता थे और ये हम सब देवताओं को छोड़ करके भगवान एक मृत्यु लोक के राजा के बारे में कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा भक्त है। तो उनके मन में संदेह जागा और वो लोग महाराज रंतिदेव की परीक्षा करना चाहते थे, टेस्ट है? कि भगवान ने कहा है ये सबसे अच्छे भक्त है। तो रंतिदेव के बारे में वर्णन आता है कि रंतिदेव जी प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करने वाले भगवान को दर्शन करते थे। प्रत्येक जीवात्मा, आजकल बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हम तो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, है ना, कॉमन बात। परंतु क्या वो सचमुच में दर्शन करते हैं या ढोंग कर रहे हैं, रंतिदेव जी के उदाहरण से मालूम पड़ जाएगा। तो एक बार महाराज रंतिदेव के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया, लोगों को भोजन की इतनी त्राही त्राही हो गई। तो महाराज रंतिदेव ने अपने राजकोष को खोल दिया सारी प्रजा के लिए, और सारे राज्य में जितनी भी धनराशि थी पूरी की पूरी लोगों में बांट दी गई, कंप्लीटली प्रजा के लिए। और फिर भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे। तो महाराज रंतिदेव ने उनके दुखों को देख करके सब परिवार जंगल में जाकर के 40 दिनों के लिए तपस्या की, निर्जल तपस्या की भगवान विष्णु के लिए। तो 40 दिनों के लिए व्रत किया, और 40 दिनों के व्रत करने के बाद उनके लिए उनकी पत्नी ने शुद्ध घी और अच्छे व्यंजन से बनी हुई भगवान का प्रसाद की थाली दी। आप कल्पना कर सकते हो 40 डेज ऑफ फास्टिंग, हम एक एकादशी को फास्टिंग करते हैं, द्वादशी को इतने आतुर रहते हैं प्रसाद के लिए। 40 दिनों के बाद महाराज रंतिदेव महाप्रसाद को प्राप्त करने जा रहे हैं। उन्होंने महाप्रसाद को प्रणाम किया और जैसे ही वो पहला निवाला अपने मुंह में डालने वाले थे, एक ब्राह्मण देव प्रकट हुए उनके दरवाजे पर। उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत किया, आइए ब्राह्मण देव।
ब्राह्मण जी ने कहा कि मैं बड़ा भूखा हूं, मैंने इतने दिनों से भोजन नहीं किया, 4 दिनों से मैंने भोजन प्राप्त नहीं किया, आपके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, कृपया करके मेरे भोजन की व्यवस्था करें। महाराज जयंती देव ने अपनी उस थाली में से आधा हिस्सा कर दिया। सभी महाप्रसाद का आधा भाग अलग निकाल दिया और दूसरी थाली में सजा करके ब्राह्मण देव को देने के लिए उद्गत हुए। ब्राह्मण देव को उन्हें प्रदान कर दिया। अब उनके पास आधी थाली बची। अब वो फिर से महाप्रसाद को प्रणाम करके महाप्रसाद पाने के लिए तत्पर हुए। जैसे ही वो मुंह में प्रसाद लेने वाले थे, तुरंत एक शूद्र वहां पर उपस्थित हुआ और शूद्र ने कहा कि मैंने 10 दिनों से भोजन नहीं किया, कृपया करके मेरे भोजन की व्यवस्था करें। और महाराज रंती देव ने अपनी थाली में जो बचा हुआ था उसका आधा भाग उस शूद्र के लिए निकाल दिया। फिर वो प्रसाद लेने की तैयारी कर रहे थे, जब वो प्रसाद लेने वाले थे तो एक चंडाल आया। एक चंडाल अपने कुत्ते के साथ आया और बड़ी कातर दृष्टि से देख रहा था और उसने महाराज रंती देव से प्रार्थना की, मेरा कुत्ता पिछले 10 दिनों से भूखा है और ये इसने पानी भी नहीं पिया। तो महाराज रंती देव ने जो उनकी थाली में जो जल का गिलास था, वो जल का गिलास उस कुत्ते के लिए दे दिया। और अब चंडाल ने कहा मैं भी भूखा हूं। महाराज रंती देव ने अपने परिवार के परिजनों की तरफ देखा और उनके परिजनों ने भी कहा ठीक है पिता, यह थाली इन्हीं को दे दे। और महाराज रंती देव ने अपनी थाली में जो कुछ बचा कुचा प्रसाद था वो भी उनको अर्पण कर दिया। जल कुत्ता पी गया और बचा हुआ प्रसाद ये चंडाल। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाराज रंती देव प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन करते थे। He was directly experiencing and seeing the Supreme Lord Krishna in the heart of every living entity. तो ब्राह्मण देव के हृदय में भी उनको भगवान के दर्शन हुए, शूद्र के हृदय में भी उनको भगवान के दर्शन हो रहे थे, चंडाल के हृदय में भी वो भगवान को देख रहे हैं और उस कुत्ते के हृदय में भी भगवान का दर्शन कर रहे थे। इस कारण से उन ब्राह्मण देव ने उन ब्राह्मण देव को और उस चंडाल को और उस कुत्ते को सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान ने कहा। तो सबको समान रूप से सबके हृदय में भगवान का निवास देख करके महाराज रंती देव ने अपने जो भोजन की थाली थी वो पूरी तरह से सबको समर्पित कर दी। 40 दिनों के उपवास के बाद तब तुरंत वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण और वो चंडाल और वो सारे लोग
अपने वास्तविक रूप में आ गए, वो ब्राह्मण देव इंद्र के रूप में परिवर्तित हो गए और सारे जो आए थे चंडाल और कुत्ता सब अपने अपने देवता के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने महाराज रंती देव की हृदय से स्तुति करना प्रारंभ किया। उन्होंने देख लिया ये प्रत्यक्ष प्रमाण कि भगवान श्री कृष्ण जो रंती देव के बारे में कह रहे थे वो अन्यथा नहीं है, वो गलत नहीं है। ये भक्त का लक्षण है, जे पीड़ पराई जाने रे, जे हाँ, जो दूसरे के दुखों को अपना दुख समझते हैं, जो सच में सभी के हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में। ऐसा बोलना बड़ा सरल है, कई लोग कहते हैं ऐसा आजकल युग में, हम तो सबके अंदर भगवान को देखते हैं। तो आप सबके अंदर भगवान को देखती हो तो क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? नहीं, व्यवहार तो मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जमा करके रखा है और देखता सब में हूं भगवान को, प्रॉपर्टी पूरा इनके नाम पर है, तो ये डुप्लीकेट ही है, मालूम पड़ जाता है कि आप सचमुच में देख नहीं रहे, महाराज रंतिदेव देख रहे हैं। और इसका प्रमाण है कि उन्होंने अपने खजाने से सारे खजाने को, सारे धन को जनता में स्वेच्छा से बांट दिया, पूरा का पूरा कंप्लीटली गेव अप एवरीथिंग फॉर देयर हैप्पीनेस। वो प्रजा को इतना प्रेम करते हैं, आदर्श चुका रहे हैं। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि उन्होंने 40 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, 40 दिनों के उपवास का प्रार्थना एक ही थी कि इन लोगों के दुख जो है समाप्त हो जाए, इन लोगों को इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाए। 40 दिनों का उपवास उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि ये भगवान मेरा राजकोष भर दो, समझ रहे हैं? 40 डेज ऑफ ऑस्टेरिटी एंड फास्टिंग वाज नॉट दैट टू गेट सम टाइप ऑफ गेन और मेटेरियल बेनिफिट। 40 दिनों का उपवास इसलिए किया गया कि हे भगवान इन लोगों के दुखों को दूर कर दीजिए, इनके कष्टों को मैंने देख पा रहा हूं, कितना अद्भुत है। और 40 दिनों के बाद उनको जब प्रसाद मिला, महाप्रसाद मिला, और वो आरोगने वाले हैं, उसको खाने वाले हैं, तब भी उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए, लोक हित को ध्यान करके वो सारा का सारा भोजन लोगों में बांट दिया, ब्राह्मण को दिया, शूद्र को भी दिया, चंडाल को दिया और कुत्ते को भी दिया। बताइए क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या ये संभावना है? परंतु वास्तविक रूप से वे सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान का दर्शन कर रहे थे, वह कुत्ते को नहीं देख रहे थे, कुत्ते के हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन। हाँ, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनिचेव स्वभाके च पंडिता समदर्शी। तो महाराज रंतिदेव के चरित्र में हम इतनी अद्भुत गुण देखते हैं, इसलिए महाराज रंतिदेव का प्रशंसा स्वयं भगवान ने किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। और दूसरा प्रमुख विषय यहां कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संगति का असर होता है। संगति, किसके संग में आप रहते हो उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बहुत ही साधारण उदाहरण जो सब कोई समझ सकते हैं,
आप दुनिया में कोई भी चीज लो, कोई भी वस्तु लो, भौतिक लो, आध्यात्मिक लो, ठीक है ना, भौतिक वस्तुएं, आप ये लोहे की रॉड लो या ये लकड़ी लो, है कोई भी वस्तु लो, कपड़े लो, और उस वस्तु को यदि आप आग में डाल दो तो क्या होगा? आग के संपर्क में आकर के वो वस्तु या तो जल जाएगी या गर्म हो जाएगी, ये होगा या नहीं होगा? है कोई भी वस्तु आग के संपर्क में आकर के या तो जल जाएगी या गर्म हो जाएगी, आग के जैसे हो जाएगी, क्योंकि आग की संगति से ये प्रभाव हुआ। एक भौतिक वस्तु में भी प्रभाव हो गया तो मनुष्य तो आध्यात्मिक है, आत्मा सारा रहस्य है संगति में। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, सारा रहस्य है संगति में। यदि हम भक्तों की संगति करते हैं, साधुओं की संगति करते हैं, तो हमारे विचार निर्मल होंगे, तो हमारा आचरण पवित्र होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, भौतिक लोगों का संगति करते हैं, अभक्तों की, दुराचारी ऐसे लोगों की संगति करते हैं, तो उनके दुर्गुण भी हमारे चरित्र में निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा, और श्री प्रभुपाद जी इससे आगे लिखते हैं कि भगवान की संगति करने से भगवान के ही समान गुण जीवात्मा के चरित्र में प्रकट होते हैं, भगवान के समान गुण। और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं 78% ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कैन मैनिफेस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ ए डिवोटी। भक्त के चरित्र में 78% भगवान के गुण दिखाई देने लगते हैं। तो यह है भगवान की संगति का प्रभाव, भगवान की भक्ति करने का प्रभाव। इसलिए हम सबको पूरी निष्ठा के साथ सदैव भगवान की भक्ति संपन्न करनी चाहिए और हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद देवी।